पर्सनल लोन जिसे कि हिंदी में व्यक्तिगत ऋण कहते हैं, ये एक ऐसा लोन है जिसे कि आप अपने पर्सनल किसी भी तरह के नीड्स को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो वैकेशन के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं, होम के इंटीरियर्स करना चाहते हैं या कोई बड़े होम अप्लायंसेस खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मिल सकता है पर्सनल लोन, खुद का वेडिंग या फैमिली में कोई वेडिंग है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए ले सकते हैं पर्सनल लोन, आप अपनी एजुकेशन या फिर अपने किसी बच्चे या रिलेटिव की एजुकेशन के लिए ले सकते हैं पर्सनल लोन। इसी तरह के और भी बहुत सारे पर्सनल नीड्स के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं और उसके पैसे को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें अगर बेनिफिट्स की तो सबसे पहला बेनिफिट्स पर्सनल लोन का ये है कि ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि पर्सनल लोन लेने के लिए आपको बैंक के पास कोई भी मॉर्गेज नहीं रखना होता है। जैसे कि अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो उसमें आपको बैंक को गोल्ड देना होता है, होम लोन में प्रॉपर्टी के कागजात देने होते हैं, कार लोन में कार के कागजात देने होते हैं, लेकिन पर्सनल लोन में आपको कुछ भी नहीं देना होता, ये आपको बिना कोई मॉर्गेज पे मिलता है। ये लोन मेनली क्रेडिट स्कोर के बेस पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आप पहले से जो लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हुए होते हैं उसका पेमेंट आप जिस तरह से करते हैं, अगर आप उसका पेमेंट टाइम पे करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, और वहीं अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं या कार्ड के साथ या लोन के साथ किसी तरह का गड़बड़ करते हैं तो यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। ये क्रेडिट स्कोर 900 में कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कि 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर भी कहते हैं। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपके लिए ये एक एडवांटेज है, क्योंकि आपको पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पर्सनल लोन को आप किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हैं और उसका अमाउंट आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं लिया जाता है। इस लोन को लेने के लिए आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। पर्सनल लोन के लिए आपको इंस्टेंट अप्रूवल भी मिल जाता है, कई बार ये लोन सिर्फ 30 मिनट में ही अप्रूव हो जाता है। तो अब बात आती है कि ये पर्सनल लोन हम लोगों को मिलेगा कैसे। उससे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि किन किन लोगों को ये पर्सनल लोन मिल सकता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन, ये चारों लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स होना चाहिए। वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल या फिर बिजनेसमैन हैं तब आपका एज मिनिमम 25 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक का होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल या बिजनेसमैन हैं तो आप कम से कम 3 साल से बिजनेस में होने चाहिए, यानी कि आपका बिजनेस मिनिमम 3 ईयर से चल रहे होने चाहिए। इसीलिए ये लोग 25 ईयर्स के बाद इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ में यहाँ पे आपका एनुअल इनकम और अदर लोन्स भी देखे जाते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यह मानना है कि आपका जितना भी एनुअल इनकम होता है आप उसमें से सिर्फ 50% तक के अमाउंट को ही ईएमआई के रूप में पे कर सकते हैं, बाकी 50% आप अपने खर्चे के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप पे पहले से किसी लोन का ईएमआई नहीं चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी लोन का ईएमआई चल रहा है तो उसका ईएमआई और अभी जो आप पर्सनल लोन ले रहे हैं इसके ईएमआई को ऐड करके आपके एनुअल इनकम के 50% अमाउंट से कम होने चाहिए, तभी आपको ये पर्सनल लोन मिल सकता है। इसी वजह से आपका इनकम जितना ज्यादा होता है आपको उतना ज्यादा अमाउंट के पर्सनल लोन मिलने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे आपका एसेट्स, लायबिलिटीज, स्पाउस इनकम और नंबर ऑफ डिपेंडेंट को भी ध्यान में रखा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा आपको उतना ही आसानी से लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। तो इन कंडीशंस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की तो अलग अलग बैंक में अलग अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक कलर फोटोग्राफ, पैन कार्ड, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ की जरूरत होती है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अलग अलग बैंक से या NBFC कंपनी से पर्सनल लोन लेने के प्रोसेस अलग अलग होते हैं। पर्सनल लोन के लिए आप ऑनलाइन उस बैंक के वेबसाइट से या फिर ऑफलाइन बैंक जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीकों से लोन अमाउंट मिलने में सेम टाइम लगता है। तो अगर आप किसी भी बैंक या NBFC कंपनी से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और आपको उसका प्रोसेस या कोई और डिटेल के बारे में नहीं पता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उसका एक डिटेल वीडियो जरूर लाएंगे। तो अब बात आती है कि पर्सनल लोन के तहत आपको कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है और उसे वापस करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिल सकता है। दोस्तों, पर्सनल लोन के तहत आप मिनिमम 50,000 का और मैक्सिमम 25 लाख रुपीज तक का लोन अमाउंट ले सकते हैं। किसी किसी बैंक में मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का ही लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। लोन अमाउंट को वापस करने के लिए आपको मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का समय मिल सकता है। पर्सनल लोन में लॉक इन पीरियड 12 महीने तक का होता है, यानी कि अगर आप पर्सनल लोन लेने के बाद उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप 12 महीने तक कैंसिल नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद ही आप टोटल पेमेंट और चार्जेस को पे करके लोन को कैंसिल करवा सकते हैं। बात करें अगर इंटरेस्ट की, इस लोन में आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना होगा, तो जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं उस समय होम लोन पे जितना भी इंटरेस्ट लग रहा होता है उससे 3-10% ज्यादा आपको पर्सनल लोन में इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट रेट भी सभी बैंक से सेम नहीं होते हैं। अगर हम एक एवरेज लें तो 12% से लेकर के 20% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है।
पर्सनल लोन में ये इंटरेस्ट रेट आप बार्गेन करके कम भी करवा सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेशल बैंक के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पर्सनल लोन के डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले ये एक एक्सपेंसिव लोन है, यानी कि इसका इंटरेस्ट रेट हमेशा बाकी सभी तरह के लोन से ज्यादा होता है। इसके इंटरेस्ट रेट में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। जैसा कि हमने बताया, इस लोन में आपको 12% से लेकर के 20% तक का इंटरेस्ट रेट देना होता है, तो अलग अलग बैंक के इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। तो आपको जब भी पर्सनल लोन लेना हो, आपको अपने एरिया के लगभग सभी बैंक्स में पता करना चाहिए, ताकि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन मिल सके। तीसरा, इसका रीपेमेंट रूल बहुत हार्ड होता है। अगर आप रीपेमेंट में कोई गलती करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ सकता है। और पर्सनल लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको पर्सनल लोन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।